सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, तो उसे किस बात पर गर्मी होगी। अच्छे तो सभी होते हैं, मगर पहचान बुरे वक्त में ही होती है। घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, रास्ते भी अच्छी होगी और मंजिल भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। आज का पंचांग 16 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6:23 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र शाम 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 16 मई 2024 दिन गुरुवार, आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए आज कम साधन उपलब्ध होंगे। इससे आपके काम में भी बाधा पहुंच सकती है, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिन के अंत तक अपनी पसंद का काम और साधन दोनों ही मिल जाएंगे। आप प्रकृति से ही मेहनती है और आप जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वतंत्रता का भी आनंद लेंगे। अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं और नए कनेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजा लें। आपका आकर्षण इस समय चरम सीमा पर है। आपके माता पिता या भाई बहन को आपके ध्यान या कंफर्ट की आवश्यकता हो सकती है। अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और करुणा दोनों सुंदर अभिव्यक्तियाँ हैं। अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, बस ध्यान रखें कि किसी को भी ठेस न पहुँचे। आज गाड़ी को ध्यान से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। सपने देखें और कड़ी मेहनत करें। आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। शराब से बचकर रहें। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा, समृद्धि लेकर भी आएगा। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान लें। नकारात्मक बर्ताव के लिए माफी मांगें। साझेदारी की परियोजना सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देगी। कोई आपका बेजा फायदा उठा सकता है और करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। इस राशि के बच्चे आज खेल कूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है। घर में धार्मिक कार्य संबंधित पूजा पाठ हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। फायदेमंद फाइनेंस संबंधित गतिविधियों को नियत समय पर पूरा कर लें। आपका काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक अन्य लोगों की मदद करने से परहेज रखना जरूरी होगा। हर छोटी बात के कारण तनाव महसूस हो सकता है। अधिकतर बातों को आप मर्जी के अनुसार बदल पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहें। मित्रों के द्वारा मिला सुझाव महत्वपूर्ण साबित होगा। काम संबंधित जिन बातों में आप कमजोर हैं, उन पर ध्यान देकर बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा सुझाया रिश्ता विवाह में तब्दील हो सकता है। आर्थिक संसाधनों से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अन्य कार्यों में देरी से विलंब हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के द्वारा परेशान हो सकते हैं। संपर्कों का लाभ नहीं मिल पाएगा। विशेष समस्याएं आ सकती है। शाम को सफलता के साथ धन लाभ भी होगा। व्यापार अच्छा रहेगा एवं नौकरी में लक्ष्य प्राप्ति होगी। जीवन साथी से सुख प्राप्त भी हो सकता है। सावधानियां ध्यान रखिए। निर्णय लेने में समय लगाने से कोई उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें, साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी।
आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य खुद ही करें। बात करते हैं लव लाइफ की। काम की अधिकता के कारण आप आज अपने दाम्पत्य संबंधों को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिस्थितियां भी आपको ही संभालनी है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप में सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने कार्य के साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एक रास्ता आपके स्वभाव में नहीं है, कुछ नवीन करने की कोशिश करें, क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यवसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखें, आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। आपका साथी आपके आकर्षण और करिश्मे का दीवाना है, किसी क्लब या समूह का हिस्सा बनकर नए दोस्त बना सकते हैं। चोरी से बचने के लिए सफर के दौरान सामान का ध्यान रखें। आज के दिन अपनी संभावनाओं को व्यक्त करने का है, अपने दिल के सबसे करीबी से उनके प्यार को महसूस करने के लिए भी आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सम्मान करें। बात करते हैं करियर की। आज समय अपने लक को आजमाने और परिणामों का मजा लेने का। किसी क्लब में शामिल होना आपको लोगों के करीब लाएगा। समूह के प्रति वफादार रहने से न केवल समूह के अन्य सदस्य प्रेरित होते हैं, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति में भी सहयोग मिलता है। घरेलू मुसीबतों के लिए सचेत रहें। प्यार और स्नेह ऐसी चीजें हैं जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अपने प्रियजनों को यह बताना ना भूलें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को ठेस ना पहुंचे। यह समय परिवार को समर्पित है, न कि दोस्तों को, इसीलिए इसका पूरा आनंद जरूर लें। आपका लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आय को बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस कर सकते हैं। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी लेकर और आराम करें, यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। मीडिया एवं कंप्यूटर से जुड़े व्यवसायों में लाभदायक स्थितियाँ बनेगी तथा व्यवसाय में विस्तार भी होगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में कुछ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे, अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज अपनी समस्याओं और असुरक्षाओं के चलते तार्किक तरीके से नहीं सोच पाएंगे, इसीलिए आज का दिन कोई नई परियोजना या किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपसे आज गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं, इसीलिए भविष्य की कोई भी योजना आज बनाना ठीक नहीं होगा। आज आराम करें। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।